हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हजार्ड्स ऑफ माइनिंग। हजार्ड्स ऑफ माइनिंग क्या है, देखिए तो आपने पिछले वीडियोस में सभी प्रकार के मिनरल्स के बारे में पढ़ लिया। अब मिनरल्स ऐसे ऊपर से भगवान उतर के आके देख के नहीं जाएंगे, उन मिनरल्स को जब आप माइन करते हो ना, मतलब उस मिनरल को आप क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं कहां से, क्योंकि वो तो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, आपको नेचर से लेना पड़ेगा, तो निकाल रहे हैं, बढ़िया मिनरल मिल रहा है आपको, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ठीक है, हजार्ड्स हो सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो हजार्ड्स ऑफ माइनिंग क्या है वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। सिंपल क्वेश्चन 3 नंबर में 2 नंबर में 5 नंबर में कैसे भी आ सकता है कि व्हाट आर दी हजार्ड्स ऑफ माइनिंग। तो देखो हजार्ड्स टॉपिक समझ में आया ना आपको, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। मैं हमेशा से कहता आया हूं और आगे भी कहूंगा और कह रहा हूं अभी भी, क्या कि टॉपिक पढ़ने से पहले ये समझ लो कि टॉपिक जो है हमारा, हेडिंग जो है वो क्या कहना चाह रहा है। आपने वो समझ लिया, उसके आगे पीछे की कहानी समझ ली ना, तो आधा चीज आपको वही समझ में आ गई है, ठीक है। तो टॉपिक समझ में आया है कि माइनिंग के कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं, वो क्या है, ठीक है, वो हम यहां पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है, इंपैक्ट ऑन माइनर्स, और दूसरी चीज है इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट। तो माइनर्स के ऊपर कुछ इंपैक्ट हो सकता है और कुछ इंपैक्ट एनवायरमेंट के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो इंपैक्ट ऑन माइनर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो लोग माइन करने जा रहे हैं, मतलब जो मान लीजिए आयरन ओर है तो आयरन ओर है या फिर कोल है, तो उस कोल को जो खोद के लाएंगे ना, उन लोगों के ऊपर भी तो क्या इंपैक्ट होगा, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा सर, चलो उनको सैलरी मिल रही, काम हो गया उनका, लेकिन उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा, उसे ही हम हजार्ड कंसिडर करेंगे। तो माइनर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है, और माइनर के साथ साथ जो प्रकृति हमें ये मिनरल्स दे रही है, हम तो माइन कर लाएंगे लेकिन उस प्रकृति के साथ हम क्या गलत करके आ रहे हैं, ठीक है, एनवायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा वो। तो दो कैटेगरी में हम चीजें देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है, रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ्स। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मोड ऑफ अकरेंस वाला टॉपिक पढ़ाया था जब, कि मिनरल्स जो है, जैसे ये आपका एक स्लैब है, अब यहाँ पे आप मान लो यहाँ पे क्या बेड्स के फॉर्म में आपको कोल मिल रहा है, ये कोल को निकालने कैसे जाओगे आप, तो आप यहां से रैट होल माइनिंग या फिर जिसे क्या कहा जाता है शाफ्ट माइनिंग, तो आप क्या करेंगे यहां से एक टनल बनाएंगे, अब इस टनल से आप नीचे उतरेंगे, टनल से आप नीचे उतरे इस तरह से, और नीचे उतर के यहां पे पूरा ये डिग आउट कर लोगे, डिग आउट करके मतलब डिग आउट कर लिया आपने, ठीक है, डिग आउट ही नहीं हो रहा है वो, ठीक, तो लो बहुत भयंकर डिग आउट हो गया, ठीक है। तो आप ये क्या है, टनल को खाली करके पूरा कोल तो निकाल के ले गए, लेकिन अब क्या हो गया, यहां पे एक शाफ्ट बन गया, यहां पे क्या बन गई, रूफ बन गई है। अब मान लो कोई माइनर यहां पे है, ठीक है, उसने बोला चलो काम हो गया आराम करते हैं, और ये रूफ जो है वो कोलैप्स हो गई, तो वो क्या होगा, नीचे दब जाएंगे, और ऐसे बहुत हादसे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, एक जो हजार्ड है माइनिंग का वो क्या है, रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ। तो इस तरह से माइन की रूफ जो रहती है अधिकतर जहां पे शाफ्ट माइनिंग होती है, रैट होल माइनिंग होती है, वो रूफ क्या कर जाती है, वहां पे गिर जाती है, कोलैप्स हो जाती है। तो ये इस तरह से कोलैप्स होगी तो जो माइनर रहेगा वो दब जाएगा, ठीक है। तो ये माइनर के ऊपर एक सबसे बड़ा खतरा रहता है, रिस्क, जान हथेली पर लेके जाते हैं नीचे माइनर्स। फिर क्या है, इनंडेशन एंड फायर इन कोल माइंस। अब कोल माइंस जो है ना, तो कोल क्या है, वो एक तरह का फ्यूल है पूरा का पूरा। अब वहां पे मान लो किसी को क्या सिगरेट बीड़ी पीने की आदत है, और वहां पे गलती से भी कोई हादसा हो जाता है, तो फायर इन कोल माइंस, इनंडेशन, अब मान लो पानी भर गया, वो तो नीचे टनल बना के गए, एकदम से बाढ़ आ गई, पानी बारिश तेज हो गई, तो नीचे पानी भर गया, या फिर कह लीजिए कहीं नीचे ग्राउंड वाटर में ही क्या होता है, ग्राउंड वाटर में कहीं कहीं सोर्स ऑफ वाटर रहता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर मतलब कहीं से इरप्ट हो जाता है, तो वो बाढ़ आने के भी चांसेस है, मतलब वहां पे वो टनल के अंदर पानी भर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये और कुछ रिस्क होते हैं जो माइनर्स को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं, ये कह सकते हैं हजार्ड है माइनिंग का, एंड दिस इज क्रिएटिंग अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन माइनर्स। ये हो गया। हेल्थ इश्यूज की अगर बात करें तो माइनर्स के साथ में हेल्थ प्रॉब्लम्स भी रहती, क्यों, क्योंकि अब हम माइन में जा रहे हैं ना आप अंदर, तो वहां पे ऐसा थोड़ी ना कि वहां बस स्वर्ग में पहुंच गया, चारों तरफ से खुशबू आ रही है, नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डस्ट और नॉक्सियस फ्यूम्स, मतलब जैसे क्या होता है गैसेस भी रहती है, जो कोल है तो कोल एक तरह का क्या फ्यूल है, वहीं पे गैसेस फॉर्म में भी आपको एनर्जी रिसोर्सेज भी मिलेंगे, आगे पढ़ेंगे हम अभी, तो वो एनर्जी रिसोर्सेज भी मिलेंगे आपको आगे, तो एनर्जी रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, वो एनर्जी रिसोर्सेज रिलीज हो सकते हैं, और वो जब नॉक्सियस फ्यूम्स वगैरह रिलीज होगी, गैस रिलीज होगी, तो गैस को तो इनहेल करेगा ना इंसान, और गैस इनहेल करके क्या है, बहुत सारी पल्मोनरी डिसीजेस वगैरह जो होती है ना, मेक्स देम वल्नरेबल टू दी पल्मोनरी डिसीजेस, ठीक, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे और क्लियर। तो इस तरह से क्या है, डिसीजेस वगैरह के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं, डिसीजेस वगैरह के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, तो मेक देम वल्नरेबल टू पल्मोनरी डिसीजेस, क्लियर हुआ। तो ये तो माइनर्स के ऊपर इंपैक्ट हो गए। अब अगर एनवायरमेंट की बात करें, अच्छा एक चीज बताता हूं, देखो ये नॉक्सियस फ्यूम वाली बात पे से मुझे जो चीज ध्यान नहीं है वो मैं आपको समझाता हूँ, हाँ ये तो कर ही लेना।
टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना जरूर, ठीक है। टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना तो आपको सारी अपडेट्स, सारे सेशन के बारे में सब कुछ पता चलता रहेगा। साथ ही साथ क्या आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसपे आपको बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे क्या मिल जाएंगे, क्विज मिल जाएंगी, जैसे आपको स्पेशल क्लासेस मिलती हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। उसी के साथ साथ मतलब आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप टेस्ट एग्जाम वगैरह दे सकते हैं। तो ऐप डाउनलोड करना और अनलॉक करना सिंपल, DIGRAJ ये पासकोड रहेगा। तो ऐप में आप ये सारे फीचर्स फ्री में एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो आपको बता रहा था, इधर आगे क्या हो रहा है कि नॉक्शियस फ्यूम्स वगैरह निकलती है। तो वो जो नॉक्शियस फ्यूम्स निकलती ना, तो पहले क्या होता था, देखो अब तो क्या है, बहुत सारे गैस डिटेक्टर वगैरह इक्विपमेंट्स बन गए। पहले एक बर्ड होता था, ठीक है, कैनरी। अब ये बर्ड जो है ना, तो माइनर्स जो कोल माइन में जाते थे, वो अपने साथ इस पक्षी को लेके जाते थे, पक्षी को लेकर जाते थे। और ये जो पक्षी था, तो ये पक्षी क्या है, ये बहुत सेंसिटिव, कुछ कुछ सेंसिटिव नहीं होते, ये पक्षी बहुत सेंसिटिव था। तो मान लो कि कोई अगर गैस रिलीज हो रही है, और बहुत हल्की हल्की गैस भी रिलीज हो रही होती है, हार्मफुल गैस, तो वो पक्षी सबसे पहले क्या करता था, इनहेल कर लेता था, मतलब सेंसिटिव था। तो उस पक्षी की डेथ हो जाती थी, और पक्षी की डेथ होती थी, सारे माइनर्स समझ जाते थे कि भैया भाग लो, यहाँ पे किसी ना किसी प्रकार की जहरीली गैस का जो है रिसाव हो रहा है, ठीक है, कोई जहरीली गैस जो है वो रिलीज हो रही है, उस कारण से माइनर्स भाग लेते थे। तो मतलब माइनर्स तो अपनी जान बचा लेते थे, लेकिन इस तरह से बहुत सारे पक्षी जो है, तो इन पक्षियों को क्या किया गया है, मतलब इनका एक तरह से कह सकते हैं इनकी बलि दी गई है, ठीक है। तो सलीम अली होते हैं, तो मतलब खैर उन्हें भी पता था। तो इस तरह से क्या, बर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था पहले माइनिंग वगैरह में। तो ये तो माइनर्स के ऊपर इंपैक्ट हो गया। एनवायरमेंट की अगर हम बात करें, अब देखो एनवायरमेंट की अगर बात करें, तो वाटर सोर्स गेट कंटामिनेटेड। अब माइनिंग कहां करोगे, आप आसमान में जाके खोदोगे, सुनिए ना, माइनिंग आप क्या कर रहे हैं, ग्राउंड में ही कर रहे हैं, अंडरग्राउंड कर रहे हैं, ये सारी चीजें। तो उससे क्या हो रहा है कि यू आर डिस्टर्बिंग दी प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। सॉइल प्रोफाइल में ही क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल है आपका। तो यहां पे आप देखेंगे वाटर सोर्सेज जो है ना, वो कोई कुआ हो सकता है, कोई ट्यूबवेल हो सकता है, कोई नदी हो सकता है, वाटर बेड मतलब ग्राउंड वाटर बेड हो सकते हैं, ठीक है। तो वो कंटामिनेट हो जाते हैं, ठीक, वो कंटामिनेट हो जाते हैं, वाटर सोर्सेज कंटामिनेट होते हैं। फिर अगली चीज क्या है, डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड सॉइल एंड इंक्रीजेस द एंड इंक्रीज इन स्ट्रीम एंड रिवर पॉल्यूशन। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये चीज आप ध्यान रखिए, देखो क्या होता है ना कि आपने मिनरल्स को माइन कर लिया, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग भी जरूरी है। ऐसे थोड़ी ना आयरन ओर मिल गया तो बस पत्थर इधर उधर लगा दोगे, नहीं, उससे आप प्रोसेस करोगे। अब वो माइनिंग जहां हो रही है वहीं आसपास प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग जब होती है तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें आप बहुत सारा वेस्ट जो है वो रिलीज करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, वाटर बॉडीज को खराब कर देते हैं, ठीक है। तो माइनिंग का एक जो हजार्ड है, एक जो नेगेटिव साइड है, वो ये है कि जो वाटर रिसोर्सेज है वो तो पलट हो ही रहे, उसके बाद में आप वेस्ट और स्लरी जो है उसको जब डंप कर देते हो, तो उससे लैंड वाटर बॉडी सब डिग्रेड हो जाता है, ठीक। स्ट्रीम्स और रिवर जो है वो पोल्यूट हो जाती है। इनफैक्ट आप जैसे देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, ओडिशा, यहाँ पे कहीं कहीं माइनिंग्स जो रही है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं कि रिवर स्ट्रीम्स वगैरह जो है, तो ट्राइबल पॉपुलेशन जो है उसने सफर किया, उन्होंने अपने फॉरेस्ट, अपनी रिवर्स को पूरी तरह से खत्म होते हुए देखा है। अब मान लो कोई क्या है, हैवी मेटल्स जो रहते हैं वो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, पानी में जैसे अगर आप देखेंगे तो उनका कंटेंट बढ़ जाता है, ठीक है, माइक्रो एटम्स जो रहते हैं, तो वो लोग इनटेक करने लगते हैं, बच्चों की हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने लगता है, सब कुछ माइनिंग के कारण। तो देखो वही है कि डेवलपमेंट जो हो रहा है ना, तो डेवलपमेंट हमेशा एक कॉस्ट मांगता है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुका ही रहा है वो कॉस्ट, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या, आपने बड़े बड़े मतलब आप जैसे आप मान लो कि आपने सीमेंट इंडस्ट्री लगाई, या फिर सीमेंट इंडस्ट्री जो है तो वहां पे मिनरल्स को प्रोसेस करें सारी चीजें, लेकिन वहां जो लोग रह रहे हैं उनसे पूछो कि वो किस तरह की पल्मोनरी डिसीजेस से जूझ रहे हैं, ठीक है। तो वही है कि यहाँ पे क्या है, माइनिंग है अच्छी चीज है, पॉजिटिव है, जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उसका नेगेटिव साइड भी है, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू नो दैट, ठीक है। तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये था कि यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट दी हजार्ड्स ऑफ माइनिंग। तो माइनर्स के ऊपर इंपैक्ट क्या होगा, एनवायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट क्या होगा, वो दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी, दोनों ही चीजें मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। अब यहाँ पे कंक्लूडिंग नोट क्या लिखेंगे, क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर दी हजार्ड्स ऑफ माइनिंग, तो आप ये तीन पांच नंबर में भी क्वेश्चन बनता है, तो इंपैक्ट ऑन माइनर्स लिख सकते हैं, इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, एक नोट लिख सकते हैं कंक्लूजन में, स्ट्रिक्ट, ठीक है, स्ट्रिक्टर सेफर रेगुलेशंस एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज आर एसेंशियल टू प्रिवेंट माइनिंग फ्रॉम बिकमिंग अ किलर इंडस्ट्री। नो डाउट वी कैनॉट इग्नोर द माइनिंग इंडस्ट्री, जरूरी है डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन थोड़े स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशन लाए जाए, ठीक है, स्ट्रिक्टर सेफ्टी रेगुलेशन, ठीक है, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉ। अब देखो इंसान जो है चिल्ला सकता है, प्रोटेस्ट कर सकता है, माइनर्स मना कर देंगे, एनवायरमेंट कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, उसके बारे में हमें खुद सोचना पड़ेगा। तो स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज जो है वो इंप्लीमेंट किए जाने चाहिए, ताकि क्या हो, ताकि माइनिंग जो कि एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, उसे किलर इंडस्ट्री बनने से रोका जा सके, ठीक है। क्योंकि अगर इसी तरह से चीजें चलेगी तो कितने लोगों की जाने जा चुकी और कितने लोगों की जान जाएगी। तो माइनिंग को किलर इंडस्ट्री बनाने से बचाने के लिए हमें क्या है, स्ट्रिक्ट
सेफ्टी रेगुलेशंस और एनवायरमेंटल लॉज को इंप्लीमेंट करवाना होगा, उन पे फोकस करना होगा। सो दिस वाज द स्टोरी, हजार्ड्स ऑफ माइनिंग, क्या हजार्ड्स हो सकते हैं, आया समझ में यहां तक? ठीक है, तो ये सारे हजार्ड्स मैंने आपको बता दिया। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल करके एक और टॉपिक है आपका, ठीक है। तो अब माइनिंग आपने क्या परेशानी तो देख ली, डॉक्टर के पास गए, हाथ चेक किया, बोल दिया कि हाँ बुखार है, ये कारण से बुखार है, समाधान क्या हो सकता है? ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स जो है, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फिर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का मिनरल्स वाला पार्ट खत्म, फिर एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के साथ। तब तक के लिए साइन ऑफ करते हैं, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।